नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों, हाल ही में फिल्म गदर 2 के लीड एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने अपने इंटरव्यू में गदर 2 के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिससे फिल्म गदर 2 का क्रेज ऑडियंस के बीच में और ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक्टर उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के लीड एक्टर होने के साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे भी हैं, जो कि पुरानी गदर में भी नजर आए थे। एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने फिल्म के बारे में बताया कि जब फिल्म गदर की शूटिंग चालू हुई थी, तब मेरी एज लगभग 4 साल की थी और अभी मेरी एज लगभग 28 साल की, लेकिन सुपरस्टार सनी देओल की एनर्जी तब भी वही थी और आज भी वही है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म गदर 2 में ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे जो कि बॉलीवुड में अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म गदर 2 की स्टोरी 1971 के समय की होने वाली है, इसलिए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को समय के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ये एक्शन सीन काफी दमदार होने वाले हैं। एक्टर उत्कर्ष शर्मा से जब फिल्म गदर 2 की स्टोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए लगभग 20 साल का समय दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने लगभग 15 से 20 सालों तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया है, तब जाकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की स्टोरी भी काफी दमदार होने वाली है, जो कि फिल्म गदर की स्टोरी को भी मात दे सकती है। और फिल्म गदर 2 का बजट भी लगभग 100 करोड़ के आसपास होने वाला है, तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और आप सभी को क्या लगता है, क्या ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचे देगी? आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।